नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। टीवी इंडस्ट्री को बड़ा झटका, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड के बाद ये रिश्ते हैं प्यार के एक्टर शमीर शर्मा की मौत, पंखे से लटका मिला शव। आरबीआई का नया नियम, सोने के गहनों पर अब 90% तक मिलेगा लोन। हेपेटाइटिस सी की दवा खाने वाले मरीजों पर कोरोना का असर नहीं, रोहतक पीजीआई का दावा। हरियाणा के जेल व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बड़ा बयान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अगले विधानसभा चुनाव से पहले छोड़ देंगे कांग्रेस। बोले, बिना गडेरे के भेड़ बकरियां का झुंड बिखर जाता है, वैसे ही कांग्रेस भी बिखर रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से इकट्ठा किए गए सैनिटाइजर्स के सैंपल फेल होने के कारण हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने 11 सैनिटाइजर ब्रांड के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट से क्लियरेंस के बाद हरियाणा में 34 SHO को प्रमोट करके बनाया DSP। बड़ा तोहफा, आयुष्मान भारत सरबत समेत बीमा योजना में शामिल होंगे पंजाब के सभी मुलाजिम। पंजाब में कोरोना से 29 की मौत, कैप्टन की सुरक्षा में तैनात होने वाले CRPF के 11 जवान संक्रमित। हिमाचल में 30 पैसे से लेकर 1 रुपए तक महंगी हुई बिजली। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 34 SHO को प्रमोट कर DSP बना दिया गया है। इसी को लेकर SHO डेलीगेशन ने वीरवार को गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। बता दें कि हाईकोर्ट से क्लियरेंस के बाद प्रमोशन दी गई है। इनके प्रमोशन काफी समय से ड्यू थी, लेकिन इनके ही कुछ साथियों ने हाईकोर्ट में केस लगाया हुआ था, जिस कारण ये रुकी हुई थी। अब हाईकोर्ट से क्लियरेंस होने के बाद इनको प्रमोट कर दिया। आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना को एक साल के लिए बढ़ाते हुए पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और प्राइवेट क्षेत्र बोर्ड और निगमों समेत गैर सरकारी संगठित क्षेत्रों के मुलाजिमों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है, जिससे 42.46 लाख गरीब और अन्य परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाएगा। पंजाब में कोरोना से 29 की मौत, कैप्टन की सुरक्षा में तैनात होने वाले CRPF के 11 जवान संक्रमित। पंजाब में लगातार फैलते कोरोना वायरस ने बुधवार को पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सूबे में एक ही दिन में 29 मरीजों की जान ले ली। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में 894 नए पॉजिटिव मरीजों की भी पुष्टि होने से राज्य में कोरोना पीड़ितों का कुल आंकड़ा 19,856 तक पहुँच गया। हिमाचल में 30 पैसे से लेकर 1 रुपए तक महंगी हुई बिजली। कोरोना संकट के बीच प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने हिमाचल में 30 पैसे से लेकर 1 रुपए तक बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। मंत्रिमंडल के घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर दी जाने वाली सब्सिडी घटाने का फैसला लेने के बाद बुधवार को विद्युत नियामक आयोग ने नई दरें जारी कर दी हैं। अब तक के लिए इतना ही। फिर लौटूंगी आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।